हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मेरा नाम सोमन फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आ गया हूँ तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि आपको अगर कनाडा का पीआर चाहिए आपको कब प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए राइट आ, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ आ, मैं कनाडा में आया था दो में पहली बार वॉक परमिट ले कर मैं आया था उसके बाद दो के दिसंबर में मैं चला गया था फिर से मैं दो में मैं फिर से ट्रैवल किया के कैनाडा एंड आई वॉज हेयर टिल ट्वेंटी ट्वेंटी और उसके बाद मैं फिर से चला गया था सेकेंड टाइम बैक टू इंडिया उसके बाद कोविड हुआ इंडिया में मैं दो साल लॉकडाउन था उसके बाद मैंने पी आर ट्राई किया uh, इंडिया से तब मुझे पी आर मिला और अभी मैं पी आर ले आ गया और दिस थर्ड टाइम मैं अभी कैनेडा में आया हूँ तो एनी बे तो आज uh, जो मैं बोलने वाला हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को दिखा है कि अगर आप वॉक परमिट लेके अगर आप कैनेडा में आते हो तो लोग क्या करते हैं लोग सोचते हैं कि एक साल शायद वेट करना होता है कैनाडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए और कनाडा का पीआर जो है उसको अप्लाई करने के लिए एक साल का वेट करना ज़रूरी है और एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए भी लोग एक साल वेट करते हैं सो बेसिकली दिस इज़ एन एक्सक्यूज़ आई वुड से मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त है ऐसे जिन लोगों को मैं बोलता हूँ हर रोज़ के भाई पीआर अप्लाई कर ले पीआर अप्लाई कर ले <coughs> बट इन लोगों का है कि चलो एक साल हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट्स मुझे ज़्यादा मिलेगा तब मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट करूंगा अगर आप भी ऐसा सोचते हो आप बिल्कुल गलत सोचते हो आप मत करो ऐसा प्लीज़ आप मत करो ऐसा क्योंकि मैंने खुद ऐसे बहुत लोगों को दिखा है इंक्लूडिंग माई सेल्फ के कनाडा का एक्सपीरियंस अगर एक साल हो जाएगा तो सीई सी क्लास में आप होगे, हो गए आपको point मिलेगा, सब कुछ सही बात है लेकिन आपका जब आप जब सीई सी में एलिजिबल हो जाओगे आपका पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका मतलब ये नहीं है कि एक्स एंट्री में उस टाइम पे जो पॉइंट्स चल रहा होगा वो आप, आप उसमें आओगे नहीं आओगे मैं अपना बोलता हूँ राइट मैं जब कनाडा में आया था तो दो हज़ार सोलह में दो हज़ार सत्रह में, में मेरा एक साल का एक्सपीरियंस हो गया था राइट और दो हज़ार सोलह से अगर मैं स्टार्ट करता कनाडा का पीआर प्रोसेस और उस टाइम मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे आ, मार्क्स काफ़ी नीचे चला गया था एक टाइम पे तीन सौ अस्सी के नीचे भी चला गया था चार सौ के नीचे भी चला गया था आप हिस्ट्री देख सकते हो और उस टाइम पे अगर मैं एक्सपीरियंस uh, होने के लिए अगर मैं वेट नहीं करता अगर मैं जो भी प्री रिक्विजिड है राइट आइल्स दे के और ई करके मैं अगर अपना एंट्री प्रोफाइल अगर मैं क्रिएट कर देता तो शायद दो सोलह के अंत तक या दो सत्रह में मुझे पीआर मिल जाता और आज 2022 में मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ आज शायद मैं कैनेडियन सिटीजन बन जाता लेकिन मैं मैंने भी वो गलती किया था मुझे लगा था कि मैं एक साल वेट करूंगा मुझे 50 पॉइंट्स मिलेगा और भी वेट करूंगा और पॉइंट्स मिलेगा तो वो इजी होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कनाडा में आ चुके हो वर्क परमिट लेके वीज़ा लेके यू आर एलिजिबल फ्रॉम डे वन आप कैनेडा के पी अप्लाई कर सकते हो राइट right? और अगर आप कैनेडा के बाहर हो अगर आप कैनेडा कभी ट्रैवल नहीं किए हो और उस कंट्री में अगर आपके पास एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ फिर से कनाडा के बाहर किसी भी ग्राउंड में आप काम कर चुके हो बस आप देख लो कि आपका जो आप जिस ग्राउंड में काम करते हो उसका एन कोड क्या होता है राइट व्हाट इज एन कोड उसके ऊपर मैं डिटेल्स में मैं पीआर के ऊपर मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियोस में लेकिन आज जो मैं बोलने वाला हूँ कि अगर आप कैनेडा में हो आपको एक साल वेट करने की जरूरत नहीं है आप डे वन से एलिजिबल हो पी अप्लाई करने के लिए और अगर आप कैनेडा के बाहर हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अपलाई फॉर कैनेडियन पियर अगर आपके पास एक साल का वहां का एक्सपीरियंस है तो अगर ये दो अगर आप सेटिस्फाई करते हो आप तुरंत अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाओ क्योंकि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल जब बनाओगे उसमें देखोगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है शायद चार सौ आएगा किसी का चार सौ पचास आएगा किसी का चार सौ तीस आएगा वो आपके एज के ऊपर आपके एजुकेशन के ऊपर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना बनेगा और अभी करंट करंटली एक्सप्रेस एंट्री में जो पॉइंट्स चल रहा है दैट इज पॉइंट्स चल रहा है तो अगर आज के दिन में भी अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि विद इन टू मंथ्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स और सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन अगर ये स्कोर नीचे चला जाता है देन आपको इन्विटेशन आ जाएगा पी आर पी आर अप्लाई करने के लिए देन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हो राइट लेकिन अगर आप एक साल वेट करते हो कि आपका कैनेडियन एक्सप्रेस बनेगा देन आप जाके अप्लाई करोगे आपके पास गारंटी क्या है कि एक साल के बाद भी यही गवर्नमेंट कैनाडियन पीआर प्रोसेस को ऐसे रखेगा क्या गारंटी है आप मुझे बोलिए ये स्कोर नीचे जाएगा इसका क्या गारंटी है क्योंकि स्कोर बहुत ही डायनेमिक है और ये स्कोर आपके ऊपर मेरे ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है राइट ये डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं जितना ज़्यादा यंग लोग एजुकेटेड लोग अप्लाई करेगा उतना स्कोर ये ज़्यादा बढ़ेगा और ये स्कोर अगर ज़्यादा बढ़ेगा और अगर आप थर्टी प्लस ऑलरेडी हो या फोर्टी प्लस हो मुश्किल बन जाएगा दोस्तों आपके लिए उस स्कोर को तो अचीव करना तो क्या होता है कि आप आप अगर आज के दिन में एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल अगर बनाते हो अगर आपके पास 350 स्कोर भी बनता है दैट इज ओके एब्सोल्युटली फाइन नो प्रॉब्लम अगर आप पी के लिए अगर आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आज बनाते हो अगर आप कनाडा में हो एक साल के बाद ऑटोमेटिकली आप आपका स्कोर हाई हो जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है क्योंकि आपने जब सिस्टम में डाल दिया कि यू स्टार्टेड वर्किंग इन कैनेडा फ्रॉम दिस डेट आपका जब एक साल होगा आपका सेम प्रोफाइल में आपका स्कोर ऐड हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो आपको एक साल वेट करने की जरूरत नहीं है आप अभी से कर सकते हो आप अगर अभी से करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो पीएनपी जो भी प्रोविंस है अभी नॉमिनेशन मतलब कनाडा में बहुत से प्रोविंस है आपको पता होगा शायद राइट और, और इवन आप अगर आप कनाडा के बाहर भी हो अगर आप कनाडा के पीआर ट्राई कर रहे हो तो आई एम पी आपको पीएनपी प्रोग्राम के बारे में पता है तो यहाँ पे काफी सारा प्रोविंसेस है जो प्रोविंस क्या करते हैं लोग सर्वे करता है कि उस प्रोविंस में At that time, कौन से के जो, जो, जो गाड़ी मैकेनिक है कार मैकेनिक है जो बाइक मैकेनिक है राइट बहुत ही सस्ते लेवल काम करते हैं अपने देश में यहाँ पे उन लोगों का डिमांड काफी अच्छा है कुछ दिन पहले नोवास कोसिया से वो, वो नॉमिनेशन इन लोगों को भेजा गया था लेकिन नॉमिनेशन किसके पास जाता है अगर आपके पास एक्सप्रेस प्रोफाइल अगर आपका बना होगा तभी आपके पास वो नॉमिनेशन जाएगा अदरवाइज वो नॉमिनेशन नहीं जाएगा और अगर आपको कोई प्रोविंस प्रोविंस अगर नॉमिनेट करता है उस में आने के लिए आपको 600 मिल जाएगा आपको एक साल वेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है मेरे प्रोफेशन में जितने लोग हैं नाइनटी परसेंट लोग दे आर वेटिंग टू लाइक नो टू कंप्लीट वन ईयर कैनेडा में अगर एक, एक साल के बाद ये लोग कोशिश करेगा मतलब ये लोग स्टार्ट करेगा प्रोसेस

अगर आप अपने स्पाउस को ऐड करते हो वो एक्स्ट्रा एडेड आपको पॉइंट्स देगा उनका जो उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपको पॉइंट्स ऐड करेगा आपके प्रोफाइल में तो सबसे पहले आपका जो एडुकेशन है उसको एसेस करना है उसको एस पर कैनाडियन इक्विवेलेंट आपका जो एडुकेशन है आपका जो डिग्री है वो कैनाडा एस पर कैनाडियन असेसमेंट वो क्या होता है राइट दैट इज दैट इज एडुकेशन एजुकेशनल क्रीडेंशियल ई सी इसको बोलते हैं तो आप पहले आपको क्या करना है पहले आपको ई करना पड़ेगा राइट right? आप गूगल में अगर सर्च करो ई सी ए फॉर कैनाडा डब्लू ई एस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग करते हैं तो उसका सिंपल प्रोसेस है आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो उस यूनिवर्सिटी जाके आपको ट्रांसक्रिप्ट लेना है वॉट इज ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल डिटेल्स आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ नॉट फ्रॉड राइट आप फ्रॉड नहीं हो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑथेंटिकेटेड है वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को जाके आपको बोलना पड़ेगा बॉस के मुझे कनाडा का पीआर अप्लाई करना है और मुझे अपना ये ईसीए करना है मतलब एजुकेशनल क्रेडिट जो है उसको असेसमेंट करना है कनाडा में एज पर कैनाडियन नॉम्स जो भी है और उसका कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे डब्लू इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी यूनिवर्सिटी को पता होगा आप अपने यूनिवर्सिटी में जाओ शायद सात या आठ सौ रुपया लेते हैं ये लोग या थाउजेंड रुपीज मैक्सिमम लेते हैं ये लोग आपको ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर कर लेगा ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करने के बाद ये लोग खुद भेजेगा आप नहीं भेज सकते पहले पहले हम लोग भेज सकते थे लेकिन अभी नियम हो गया कि यूनिवर्सिटी जो है इसको भेजना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्ट को राइट तो यूनिवर्सिटी उस ट्रांसक्रिप्ट को डब्ल्यूएस को भेजेगा डब्ल्यूएस अभी टोरंटो में है या कैनेडा में है डब्ल्यूएस के पास वो डॉक्यूमेंट्स जाएगा डब्ल्यूएस उसको देखेगा डब्ल्यूएस अपने तरीके से उसको ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेट करने के बाद डब्ल्यूएस आपको एक सर्टिफिकेट देगा के बॉस यू आर ग्रेजुएटेड इन इंडिया सो एज़ पर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू आल्सो ग्रेजुएट हियर तो कैनाडियन असेसमेंट में वो आप ग्रेजुएट हो दैट इज अ फर्स्ट थिंग राइट तो आपके एक्सप्रेशन की प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आपके पास वो ई स रिपोर्ट होना चाहिए और इसी रिपोर्ट में आपका जो असेसमेंट हो रहा है वो होना चाहिए राइट आप ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो या एज पर कैनाडियन एडुकेशन आपका असेसमेंट क्या है दैट इज द फर्स्ट थिंग द सेकंड थिंग इज आपको आपको इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए उसके लिए आई का एग्जाम आपको देना पड़ेगा इसमें भी मैं आपको बोलता हूँ लोग इसमें भी बहुत लेजी होते हैं लोग सोचते हैं आज करूंगा कल करूंगा परसों करूंगा एक साल एक महीने बाद करूंगा दो महीने बाद करूंगा प्रीपरेशन ले लू प्रीपेरेशन ले लूँ कुछ नहीं होता है भैया आप मेरा बात सुनो आप अगर इंडिया में हो आपको आइल्स देने के लिए शायद कितना आ, दस पंद्रह हजार आपका खर्चा होगा पंद्रह हजार आपको खर्चा होगा हो। और कनाडा में अगर आप देते हो आपको तीन सौ डॉलर खर्चा होगा आप कर लो अब सोच लो कि वो आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो पंद्रह हजार रुपया राइट अगर पंद्रह हजार रुपया अगर आपके जेब से खो जाएगा आप, आप कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को राइट तो अगर आप कैनेडा आने के आने के बारे में सोच रहे हो तो आप आई दे दो पहला जो आई होगा शायद आप क्लियर ना कर पाओ क्योंकि यहाँ पे आई में आपको मिनिमम सिक्स कोर्ट करना पड़ेगा अगर आप सिक्स सिक्स स्कोर कर लेते हो दैट इज़ गुड यू आर एलिजिबल अगर आप सिक्स स्कोर नहीं करते हो आपको फिर से आई देना पड़ेगा तो आप आई दे दो इसके लिए यूट्यूब में गूगल में काफ़ी सारा मेटेरियल से सात दिन प्रिपरेशन लो आप सेवन डे प्रिपरेशन लो आपका आई क्लियर हो जाएगा तो दैट इज़ अ सेकंड रिक्वायरमेंट आपका आई का भी एक रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए एंड थर्ड थिंग इज अगर आप कैनाडा uh, का अगर पी अप्लाई करते हो इसमें तीन कैटेगरी होता है पहला कैटेगरी होता है एफ एस इज एफ एस डब्ल्यूट इज स्किल्ड वर्कर फेडरल स्किल्ड वर्कर कि आप आप दुनिया में किसी भी जगह पे जा सकते मतलब रह सकते हो किसी भी देश के आप नागरिक हो सकते हो सिटीजन हो सकते हो और उस देश में आपका एक साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर किसी भी ग्राउंड में अगर आपके कंट्री में आपके पास एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल यू आर एलिजिबल फॉर एफ एस डब्ल्यू देन नेक्स्ट इज सी सीई सी मीन कैनाडियन एक्सपीरियंस क्लास एक्सपीरियंस क्लास में आपको एलिजिबल होने के लिए आपके Canada में एक साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए यू आर क्वालिफाइड फॉर सीईसी दैट इज अ कैटेगरी राइट एफ एस कैटेगरी सीईसी इज वन मोर कैटेगरी तो क्या होता है कि अगर आपका में एक साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया देन यू आर एलिजिबल फॉर बोथ एफ एस डब्ल्यू एंड सीईसी एज वेल तो ये आपके प्रोफाइल में एड हो जाता है यू आर सीईसी देन और एक होता है एफ एस टी एफ एस टी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा दैट इज फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम तो उसके ऊपर मुझे भी ज्यादा जा, जानकारी नहीं है क्योंकि मैं CEC और एफ एस डब्ल्यू में मेरा हुआ था मैं यहाँ पे काम करता था तो उस से मैं बोल रहा हूँ राइट और 95 फाइव परसेंट लोग आईर CEC सी और एफ एस डब्ल्यू से ही आता है और CEC सी और एफ एस डब्ल्यू के ऊपर है PNP राइट तो पी एन पी जो होता है दैट इज प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम किसी भी प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर सकता है और प्रोविंस जो नॉमिनेट करता है जिस बंदों को या किसी को भी जिस बंदी को भी किसी को भी जब नॉमिनेट करता है तो वो लोग इन लोगों के पास जो पूल होता है राइट एक्सप्रेस एंट्री में पूल हो गया एक सीई सी क्लास हो गया एक एफ एस क्लास हो गया तो जो पी के जो लोग है ये लोग या तो एफ से पिक करता है या तो सीई पिक कर सीई से पिक करते इसमें आपका मेरा कोई हाथ नहीं है हम लोग बस अपना प्रोफाइल बना के मैं इंटरेस्टेड हूँ कनाडा जाने के लिए वो बो मैं बोल सकता हूँ उसके बाद जो जो प्रोविंस है right? प्रिपेयर रहना पड़ेगा राइट right? अगर आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है देन यू आर एलिजिबल तो ये हो गया ये हो गया दो चीज राइट right? आपका पहले हो गया एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पहले, नेक्स्ट हो गया आपका आपका आई एंड थर्ड आपका हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस आप कहीं पर भी हो अगर एक साल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल ये तीन कैटेगरी अगर आपका ऑलरेडी हो गया यू डोंट नीड टू वेट लिसन टू मी यू डोंट नीड टू वेट आप पहले ई ए करो ई ए करने में एक महीना लग जाता है अगर आप आज से प्रोसेस स्टार्ट करोगे मैक्सिमम एक महीना लगेगा अभी तो अभी तो इंडिया में काफी सारा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में भी भेजते हैं तो अगर ऑनलाइन में अगर आपका रिपोर्ट ये लोग भेज देगा तो वो जल्दी हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ मैं कोविड के टाइम पे मैंने किया था इंडिया uh, से तो उस टाइम पे एक महीना मुझे लगा था तो मैक्सिमम आप मान के चलो एक महीना आपका ई के लिए लगेगा और आई के लिए अगर आप प्रिपरेशन लेते हो तो आपको मैक्सिमम सेवन डेज लगेगाट इज माई आई मीन माई आइडिया लाइक तो एक महीना एंड सेवन डेज राइट तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हो विद इन अ मंथ यू कैन क्रिएट यूर एक्सप्रेसेंट्री प्रोफाइल और अगर आप एक्सप्रेसेंट्री का प्रोफाइल बनाते हो आप पुल में आ जाओगे एंड पुल में आ जाने के बाद You are, you are आप, आप को इम्प्रूव करने की कोशिश को करो कैसे करोगे आप फिर से आई एल टी एस दो अगर आई एल टी एस मेंिक्स स्कोर किया नेक्स्ट टाइम अगर आप सेवन स्कोर करते हो आप अपने सेम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो और उसमें आपका पॉइंट फिर से रिकेल्कुलेट होकर आपका पॉइंट बढ़ जाएगा तो यू कैन ट्राई Uh, आपका पॉइंट्स कैसे बढ़ेगा राइट तो आई करो या फ्रेंच सीखो फ्रेंच सीखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इस उम्र फॉरवर्ड okay? uh, तो मैंने क्या किया था मैंने तीन तीन बार आई दिया था मैंने पहले आई में सिक्स स्कोर किया था उसके बाद मैंने सेवन uh, स्कोर uh, किया था उसके बाद लास्ट टाइम मैंने स्कोर किया था लेकिन जब मैंने जब मैंने एट स्कोर किया था वो स्कोर से पहले ही मेरे पास नॉमिनेशन आ गया था एक्चुअली वो स्कोर uh, उस स्कोर से मेरा पॉइंट्स इंक्रीज होता लेकिन उसके पहले ही मुझे नोवेस्कोसिया से नॉमिनेशन मिल गया था और मैंने अपना डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट कर दिया था तो दैट वॉज आई हैव डन राइट मैंने दो दो बार मैं में आया दो दो बार मैंने सोचा uh, कि आज करूंगा कल करूंगा परसों करूंगा करूंगा, करूंगा, करूंगा करूंगा लेकिन कभी किया नहीं दोस्तों दो साल देखते देखते निकल गया मेरा पहली बार भी दो साल निकल गया था सेकंड टाइम भी दो साल मेरा निकल गया मैंने ऐसा काफी सारे दोस्त लोगों को देखा कि जिन लोगों का पॉइंट्स एस पर कैलकुलेसन आपका उन लोगों का बन रहा था फोर हंड्रेड समथिंग इंडो ने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया था और उस टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर 380 तक भी नीचे चला गया था लेकिन उसके बाद एक बार जब एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बढ़ गया फोर सेवेंटी फोर ये लोग आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाए ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अनफॉर्चुनेट है वो लोग क्वालीफाई अभी तक नहीं कर पाए दो तीन साल से वेट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा इन लोगों के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गया था उस टाइम पे इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था ये गलती अपमत करो अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो मैं फिर से बोल रहा हूँ नो नीड टू वेट फॉर वन ईयर आप अपना ई सी ए कम्प्लीट करो अपना आई एल टी एस कम्प्लीट करो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करो और अगर आप कनाडा में नहीं हो अगर आप बाहर की कंट्री में हो वहाँ पे भी अगर आपके पास एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है आप ई सी ए कम्प्लीट करो आई एल टी एस कम्प्लीट करो एक परसेंटी का प्रोफाइल बनाओ यू नेवर नो कि कब किस प्रोविंस से आपके पास पर आ जाए तो एनी anyway, तो आज के लिए इतना ही आ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था आप लोगों को अगर कनाडा के पीआर के बारे में अगर कुछ पूछना है कुछ जानना है आप लोग मुझे पूछ सकते हो मैंने अभी अभी मैंने पीआर अप्लाई किया मैंने किसी एजेंसी से नहीं किया था मैंने खुद किया सब कुछ बहुत मुझे मेहनत करना पड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा क्या डॉक्यूमेंट क्या है ना है सब कुछ मैंने रिसर्च किया था तो अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ ओके तो कमेंट में आप लोग मुझे लिखना अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो And stay tuned. Thank you for watching my channel. If you like it, subscribe. कर लीजिएगा no, okay? Thank you. Stay blessed. Bye.